हेलो फ्रेंड्स, लिनक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें लिनक्स एंड मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे, लिनक्स इज अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड ओपन सोर्स। तो लिनक्स क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज नॉट लाइक विंडोज एंड यूनिक्स इज ऑल्सो नॉट अ ओपन सोर्स। इसको हम लोग थोड़े देर से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिनक्स क्या, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिक्स को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। यदि यूनिक्स का कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाएगा, देन दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लिनक्स। तो लिनक्स को हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले यूनिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, लिनक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग के जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं वो इंग्लिश में भी बनाए गए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन वॉच इंग्लिश वीडियो लेक्चर, अदरवाइज दिस इज ओके। तो हम लोग देखें यहाँ पे यूनिक्स होता क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, यूनिक्स क्या है, मल्टी यूजर तथा मल्टी टास्किंग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मल्टी यूजर होना। जनरली सभी को पता है कि मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर उस सिस्टम को और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो हम लोग यहाँ पे देखें, इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में भी फोकस करेंगे। यूनिक्स इज डेवलप्ड बाय केन थॉम्सन एंड डेनिस रिची इन 1917। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट भी लिया है कि 1970 के पहले यूनिक्स को यूनिक्स कहा जाता था, विच इज कॉल्ड यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो 1970 में इसको क्या नाम दिया गया, यूनिक्स दिया गया। और इसकी जो कोडिंग है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया उसकी जो कोडिंग है, हाई लेवल लैंग्वेज और सी में लिखा गया तथा असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग की गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू यूनिक्स। अब यदि हम बात करें कि मल्टी यूजर होता क्या, तो फ्रेंड्स मल्टी यूजर को आप सही से समझना, ये क्या है कि बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मल्टी यूजर का मीनिंग ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉपी नंबर ऑफ यूजर्स द्वारा यूज किया जाए। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम लोग यदि बात करें कि 10 स्टूडेंट्स हैं एंड 10 स्टूडेंट्स कैन यूज सेम ऑपरेटिंग सिस्टम और वन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर ओनली। ऐसा नहीं कि सभी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी हो। तो यहाँ पर हमने लाइन जो लिखा है, अ सिंगल कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन डिस्क कैन सर्व द नीड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यूजर। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिफरेंट यूजर के लिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, एक डिस्क पे इंस्टॉल किया जाएगा और उसके द्वारा और उससे 100 यूजर उसको यूज कर सकता है साइमल्टेनियसली और एट ए डिफरेंट टाइम। ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल मीनिंग है मल्टी यूजर का। यदि हम बात करें कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, तो हम लोग एक यूनिक्स को देख पा रहे हैं, VMS वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, दिस इज कम्प्लीटली मल्टी यूजर। मेन फ्रेम OS, दिस इज कम्प्लीटली मल्टी यूजर। हम यहाँ पे विंडोज का नाम नहीं लिखें, क्योंकि विंडोज में क्या है कि आप रिमोट एक्सेस देते हैं, तो इन दैट सिचुएशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी यूजर। सो अनदर पॉइंट रिलेटेड टू मल्टी यूजर इज, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर ओरिजिनली यूज फॉर टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, देन उबंटू सर्वर एंड विंडोज सर्वर 2016 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर सिस्टम। अब हम लोग यूनिक्स को थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो बट वन पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, यूनिक्स कंसिडर एज द मदर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा क्यों है, आगे हम लोग इसको कुछ कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल अंडरस्टैंड इसको क्यों ऐसा बोला जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू यूनिक्स, यूनिक्स हैज GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिमिलर टू विंडोज दैट सपोर्ट इजी नेविगेशन एंड सपोर्ट इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात आई GUI, तो GUI को हमें समझना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका काम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो क्या होगा, और होगा तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, सपोज दैट एंड्रॉयड मोबाइल फोन विच इज रिच ऑफ इंटरफेस और ग्राफिकल इंटरफेस। तो ग्राफिकल इंटरफेस जितना बेटर होगा यूजर के लिए उतना ईजी होगा उसे इंटैक्ट करना। सो दिस पॉइंट GUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द इंटरफेस थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या तो स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टेकन रिलेटेड टू GUI ऑफर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अवेलेबल कमांड्स एंड फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स यदि हम बात करें आइकन की, तो आइकन क्या है,
आइकन, सपोज की सॉफ्टवेयर का आइकन आप जस्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं और क्लिक करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूनिक्स और यूनिक्स कर्नल। यूनिक्स सिस्टम यूज अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो फ्रेंड्स हमें कर्नल समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल। कर्नल तो फ्रेंड्स कर्नल को हम लोग सबसे पहले समझ लें कि होता क्या है। सो कर्नल क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है विच कैन हैंडल्स एवरीथिंग, और ये कंट्रोल करेगा जो भी कंप्यूटर में होगा एवरीथिंग इट कैन कंट्रोल, और एवरीथिंग विल बी कंट्रोल बाय कर्नल। तो कंट्रोल क्या क्या किया जा सकता है वो हम लोग पहले यहाँ पे देख लें, और इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम लोग देख लें यहाँ पे। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट किसका काम होगा, कर्नल का काम होगा। प्रोसेस को मैनेज करना, टास्क को मैनेज करना, डिस्क को मैनेज, सो जितना सारा भी जो टास्क है दैट विल बी हैंडल्ड बाय कर्नल। सो डेफिनेशन यहाँ पे लोग देखें, अ कर्नल इज द मेन कंपोनेंट दैट कैन कंट्रोल एंड मैनेज एवरीथिंग विद इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। होप आप कर्नल को आप समझ गए होंगे। अनदर रिलेटेड पॉइंट आई हैव टेकन हियर, कर्नल हैज अ प्रोटेक्टेड मेमोरी एरिया दैट कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय एनी प्रोसेस। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट। बोला गया है कि कर्नल क्या है, प्रोटेक्टेड मेमोरी एरिया होता है जो बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंटली भी इसको प्रोसेस द्वारा ओवरराइट नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कर्नल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं यूनिक्स के कुछ और भी कॉन्सेप्ट को यहां पे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, अ यूनिक्स टर्मिनल इज अ ग्राफिकल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस यूजिंग अ शेल प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स यहां पे बात आ रही है टर्मिनल की। तो टर्मिनल के बारे में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कि समझ लें यहाँ पे, क्योंकि जो भी हम लोग काम करेंगे टर्मिनल के थ्रू काम करेंगे लिनक्स में, जिसमें हम लोग कमांड को रन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि होता क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस एंड शेल प्रोग्राम की बात किया गया है, तो ये होता क्या है, तो कमांड लाइन इंटरफेस का क्या मीनिंग है वो भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स कमांड क्या होता है कि आप यदि सपोज दैट आपको फाइल क्रिएट करने हैं, फोल्डर क्रिएट करने हैं, सो यू आर राइटिंग सम कमांड, और उस कमांड के थ्रू क्या होगा वो फाइल और फोल्डर क्रिएट कर देगा। सपोज दैट उसमें बहुत सारे लाइंस लिखे हुए हैं और सीक्वेंस ऑफ लाइंस है, उसको काउंट करना है, तो आप टर्मिनल में कमांड के थ्रू आप काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें वन लाइन डेफिनेशन ऑफ द कमांड, अ कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ यूजर टेलिंग अ कंप्यूटर टू डू समथिंग। इट मींस दैट कि कमांड जो है यूजर द्वारा दिया जाएगा एंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर कि आप कुछ करें अकॉर्डिंग टू द कमांड्स। अब हम समझें शेल प्रोग्राम का क्या काम है। तो फ्रेंड्स यूजर द्वारा जो कमांड्स दिए जाते हैं उसको कनेक्ट करना और उसे इंटरप्रेट करना एंड कॉल प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी एंड फाइनली एग्जीक्यूट ऑल द कमांड्स ऑफ द यूजर्स। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ शेल प्रोग्राम। अब यदि हम बात करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यूनिक्स के काफी कॉन्सेप्ट जो भी आपने सीखा है वो लिनक्स में आपको जरूरत पड़ेगा और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट, पहला पॉइंट हम आपको क्लियर कर देना चाहें, क्योंकि बिगिनिंग लेवल पे ये कंफ्यूजन होता है कि लिनक्स और यूनिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है। तो फ्रेंड्स लिनक्स इज नॉट यूनिक्स, बोथ आर डिफरेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिनक्स सिस्टम को ड्राइव किया गया है यूनिक्स से एंड इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द बेसिस ऑफ यूनिक्स डिजाइन। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि लिनक्स सिस्टम जो है वो यूनिक्स सिस्टम से ड्राइव किया गया है और इसका जो डिजाइन है कि यूनिक्स के बेसिस पे ही लिनक्स को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किन्होंने बनाया, किन्होंने डेवलप किया। सो लिनस टॉरवाल्ड्स एंड और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लिनक्स को डेवलप किया था and it is designed in such a way that act like Unix but it doesn't have the original Unix code in it। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप फिर से आप देखें कि जो लिनक्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल Unix से मिलता जुलता है। सो दैट इज द रीजन कि बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि दोनों सेम है। सो बट यहाँ आप हमने क्लियर कर दिया है कि बोथ आर डिफरेंट थिंग। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे लिनक्स के बारे में। तो ये पॉइंट आप सभी को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है लिनक्स इज जस्ट द कर्नल नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाइल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी निकल करके आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, इसको हम लोग कमिंग वीडियोस में भी देखेंगे। उसका लिंक शेयर किया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। तो हम आपको पॉइंट याद क्या रखना है कि लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बट दिस इज अ कर्नल ओनली, राइट। बट हम लोग यहाँ पे यूनिक्स क्या था, यूनिक्स वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे उबंटू, तो उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको याद रखें। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूनिक्स इन इटसेल्फ अ कंप्लीट ओएस एच एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ सिंगल वेंडर। तो ये कंपेरिजन आप कंपेरिजन ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं कि लिनक्स जो है दैट इज कर्नल ओनली बट यूनिक्स क्या है, वो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं कि लिनक्स में क्या क्या आएगा और
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आएगा और उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे डेवियन, उबंटू, फेडोरा, रेड हैट, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। बट IBM AIX, सोलारिस, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज बेस्ड ऑन यूनिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। कमिंग वीडियो लेक्चर में आपको फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांटेज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे।